गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. पिछले वीडियो में अपन ने देखा था रिजर्व इंजीनियरिंग में दैट कौन कौन से टाइप के प्राइमरी ड्राइव मैकेनिज्म होते हैं और कौन से कितनी रिकवरी मिलती है और आपका रिकवरी फैक्टर क्या होता है और हर एक ड्राइव मैकेनिज्म के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ठीक है, उसमें देखा था अपन ने उसका रिकवरी फैक्टर क्या होगा, उससे कितनी रिकवरी मिलेगी, देन उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे प्रेशर डिक्लिनेशन के, प्रेशर कैसे प्रोडक्शन के साथ डिक्लाइन करेगा और कैसे वो रिजर्वॉयर को अगर प्रेशर मेंटेनेंस हो रहा है तो किस तरह से होगा. ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं मटेरियल बैलेंस इक्वेशन. मटेरियल बैलेंस इक्वेशन जनरली किस काम के लिए यूज होती है रिजर्वॉयर में उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो रिजर्वॉयर जो मटेरियल बैलेंस इक्वेशन है जनरली वो एक रिजर्वॉयर इंजीनियरिंग या रिजर्वॉयर इंजीनियर के लिए एक टूल होता है जो बेसिकली यूज होता है किसी भी रिजर्वॉयर की फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करने के लिए. ठीक है, तो वो देखेंगे अपन की रिजर्वॉयर की परफॉर्मेंस क्या रहेगी उसको प्रिडिक्ट करने के लिए मटेरियल बैलेंस इक्वेशन है वो एक टूल है जिसको अपन यूज करते हैं जनरली. ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो अपना रिजर्वॉयर है उसमें जो कितना इनिशियली हाइड्रोकार्बन कितना है उसको अपन प्रिडिक्ट करते हैं. तो उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं जिसमें से एक टूल है आपका मटेरियल बैलेंस इक्वेशन, उसके अलावा है डिक्लाइन कर्व एनालिसिस, उसके अलावा है वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स. ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं कि मटेरियल बैलेंस इक्वेशन है उससे कैसे रिजर्वॉयर की परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करेंगे फ्यूचर परफॉर्मेंस को, और उसके अलावा उससे कैसे अपन डिटरमाइन करेंगे कि उसमें इनिशियल हाइड्रोकार्बन इन केस कैसे है और कितना है. ठीक है, तो अगर रिजर्वॉयर जो मटेरियल बैलेंस इक्वेशन है उसको अगर अपन प्रॉपरली अप्लाई करते हैं तो अपन उसको यूज करके कौन कौन सी चीजों को डिटरमाइन कर सकते हैं या मटेरियल बैलेंस इक्वेशन की क्या क्या एप्लीकेशन है. ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन है ये किसके लिए यूज होती है वो फर्स्ट है आपका कि अपन एस्टिमेट कर सकते हैं इनिशियल हाइड्रोकार्बन वॉल्यूम इन केस, मतलब कि इनिशियली जब अपन ने रिजर्वर डिस्कवर किया है उस टाइम रिजर्वर में कितना इन केस कितना उसमें हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रेडिक्ट द फ्यूचर रिजर्वर परफॉर्मेंस, मतलब ये उसके अलावा बताएगा कि जो आपका रिजर्वर है उसकी फ्यूचर में क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है उसको भी अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं. उसके अलावा ये क्या प्रिडिक्ट करेगा, प्रिडिक्ट द अल्टीमेट हाइड्रोकार्बन रिकवरी अंडर वेरियस टाइप ऑफ प्राइमरी ड्राइव मैकेनिज्म. जो अपन ने प्राइमरी ड्राइव मैकेनिज्म देखे थे उनको अगर किस टाइप का ड्राइव मैकेनिज्म है तो अल्टीमेट हाइड्रोकार्बन की रिकवरी कितनी मिलेगी, मतलब कौन से ड्राइव में अगर कौन से जैसे अगर वाटर ड्राइव है तो रिजर्वॉयर का अल्टीमेट रिकवरी मतलब कितना होगा, हाइड्रोकार्बन अपन उसमें से कितना रिकवर कर पाएंगे. ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन मटेरियल बैलेंस इक्वेशन या एमबीई को अप्लाई करके एस्टिमेट कर सकते हैं या प्रिडिक्ट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो मटेरियल बैलेंस इक्वेशन है वो जनरली क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसमें अपन मटेरियल का मटेरियल है उसको मास बैलेंस उस पे या वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे या वॉल्यूम बेसिस पे लिख सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे. वो कैसे लिखते हैं कि जो आपका इनिशियल वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, ये जनरलाइज्ड इक्वेशन होगी, इसी के बेसिक कॉन्सेप्ट पे अपन सारी जो मटेरियल बैलेंस इक्वेशन है उसको अपन डिराइव करेंगे. ठीक है, तो उसका डेरिवेशन करने के लिए अपन को क्या इनिशियल वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम रिमेनिंग प्लस वॉल्यूम रिमूव. ठीक है, जो आपका इनिशियली वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा कि उसमें से अपन ने कितना वॉल्यूम है उसको निकाल लिया है और अभी रिजर्वर में कितना वॉल्यूम रिमेनिंग है. ठीक है, तो उस पे होगा. ठीक है, सिंस अपन को पता है कि ऑयल गैस एंड वाटर ये तीनों ही रिजर्वर में प्रेजेंट होते हैं तो मटेरियल बैलेंस इक्वेशन या तो अपन तीनों को टोटल तीनों फ्लूइड के लिए साथ में अप्लाई कर सकते हैं या फिर तीनों फ्लूइड के लिए अलग अलग मटेरियल बैलेंस भी अप्लाई कर सकते हैं. वो डिपेंड करता है कि अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है उसके अकॉर्डिंग अपन मटेरियल बैलेंस इक्वेशन अप्लाई करते हैं. ठीक है, फिर क्या होता है कि मटेरियल बैलेंस इक्वेशन है उसको अपन किसी भी जगह अपन उसको उसका डेरिवेशन करें उससे पहले कुछ सिंबल्स हैं जिनको अपन को एप्लीकेशन के साथ सीखना जरूरी है क्योंकि कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट करेगा वो अपन को पता होना जरूरी है. ठीक है, तो ये बेसिक सिंबल है उसमें फर्स्ट है आपका पी और आई जो रिप्रेजेंट करता है इनिशियल रिजर्वर प्रेशर, पी है वो वॉल्यूमेट्रिक एवरेज रिजर्वर प्रेशर है मतलब आफ्टर प्रोडक्शन जो रिजर्वर का प्रेशर है वो, देन डेल्टा पी है वो चेंज इन रिजर्वर प्रेशर है जो उसको लिखेंगे अपन की इनिशियल रिजर्वर प्रेशर माइनस पी. ठीक है, देन आपका पी बी है वो बबल पॉइंट प्रेशर है, एन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल या ओरिजिनल ऑयल इन केस मतलब इनिशियली वहां पे रिजर्वर में कितना ऑयल प्रेजेंट है.
ठीक है। देन आता है एन पी मो ऑफ थायरिन, क्यूम्युलेटिव ऑयल प्रोड्यूस मतलब कितना ऑयल वहां से आपने प्रोड्यूस किया है। जीपी रिप्रेजेंट कर रहा है क्यूम्युलेटिव गैस प्रोड्यूस, ठीक है। डब्ल्यूपी क्यूम्युलेटिव वाटर प्रोड्यूस, आरपी है वो क्यूम्युलेटिव गैस ऑयल रेशियो है, आरपी रिप्रेजेंट कर रहा है कि जीओआर, ठीक है। क्यूम्युलेटिव जीओआर वहां पे कितना है, देन जीओआर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंस्टेंटेनियस जीओआर कितना है। आरएसआई है वो इनिशियल गैस सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, आरएसआई वो गैस सॉल्युबिलिटी है। बीओआई है इनिशियल ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर है, ठीक है। बीओ है वो ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर है। डीजीआई है वो इनिशियल गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर है, जो इनिशियल मतलब जब रिजर्वर का प्रेशर अपन ने रिजर्वर को अपन ने डिटरमाइन किया है, जब एक्सप्लो मतलब जैसे ही अपन ने रिकवर किया रिजर्वर को जैसे ही ढूंढा है उसी टाइम रिजर्वर का जो इनिशियल रिजर्वर प्रेशर है उस पे ऑयल फॉर्मेशन का वैल्यू किया है, ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर का या फिर गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर का, ठीक है। देन डीजी है वो गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर का है। डब्ल्यू इंजेक्शन क्यूम्युलेटिव वाटर कितना इंजेक्ट किया, अगर अपन ने वहां पे प्रेशर मेंटेनेंस टेक्निक्स अपन ने बोला कि अपन वाटर इंजेक्ट करते हैं प्रेशर मेंटेन करने के लिए या फिर गैस को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो डब्ल्यू इंजेक्शन रिप्रेजेंट करेगा कि कितना वाटर आपने वहां पे इंजेक्ट किया है, ठीक है। जी इंजेक्शन है वो क्यूम्युलेटिव गैस इंजेक्टेड, डब्ल्यू है डब्ल्यू ई वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्यूम्युलेटिव वाटर इनफ्लक्स कितना है, ठीक है, कितना वाटर का इनफ्लक्स वहां पे है रिजर्वोयर में। देन उसके बाद एम है वो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है उसके बारे में देखते हैं। एम आपकी रिप्रेजेंट करेगी वो स्मॉल एम वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेशियो ऑफ इनिशियल गैस या गैस मतलब रिजर्वोयर में इनिशियली जो गैस के अगर वहां पे प्रेजेंट है तो उसमें कितनी गैस प्रेजेंट है। गैस कैप गैस रिजर्वोयर वॉल्यूम टू इनिशियल रिजर्वोयर ऑयल वॉल्यूम, ठीक है। गैस कैप में कितनी गैस है उसका कितना वॉल्यूम है और वॉल्यूम ऑफ इनिशियल ऑयल रिजर्वोयर मतलब इनिशियली ऑयल में कितना इनिशियली रिजर्वोयर में कितना ऑयल का वॉल्यूम है उसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जी वो रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल गैस कैप गैस कितनी है वहां पे। पीवी है वहां पे कोर वॉल्यूम कितना है, ठीक है। सीडब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वाटर की कंप्रेसिबिलिटी और सीएफ फॉर्मेशन की कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स थी जो आपको पता होनी चाहिए कौन सी टर्म का क्या रिप्रेजेंट वो कौन सी टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि जो भी मटेरियल बैलेंस इक्वेशन होती है वो कैलकुलेट करते हैं अपन जब कैलकुलेशंस होती है तो जनरली अपन क्या करते हैं कि जो भी टोटल कोर वॉल्यूम है वहां पे कि जो कोर्स है उनके अंदर टोटल कितना वॉल्यूम है उसको अपन रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ या एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसको इन टर्म्स ऑफ इनिशियल ऑयल वॉल्यूम मतलब एंट्री टर्म में क्योंकि एन रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल ऑयल वॉल्यूम को एंड द वॉल्यूम ऑफ दी गैस कैप और जो गैस कैप है उसके अंदर कितनी गैस प्रेजेंट है उसकी टर्म में अपन उसको पूरे कोर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। Then the expression of the total pore volume can be derived by conveniently introducing the parameter. मतलब अपन इन दोनों को relate करना चाहते हैं कि initially जो gas cap gas है उसका कितना volume है और initially जो oil है उसका कितना volume है इन दोनों को इन दोनों की term में पूरे pore volume को अपन relate करना चाहते हैं क्योंकि अपन ने बोला कि total pore volume कितना है और total pore volume क्या होता है मतलब pores के अंदर कौन सा fluid भरा है जिससे अपन को जनरली कंसर्न होता है या अपन चाहते हैं कि उसी को डिस्कवर करें वो आपका ऑयल एंड गैस होता है, ठीक है। तो गैस जनरली क्या होती है गैस कैप में रहती है या फिर ऑयल के साथ डिसॉल्व फॉर्म में रहती है, ठीक है। तो अपन अगर उसको रिप्रेजेंट जितना भी पोर वॉल्यूम है उसको कि इनिशियली ऑयल वॉल्यूम कितना है और इनिशियली गैस कैप में कितनी गैस है इनकी टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो अपन देख सकते हैं कि टोटल पोर वॉल्यूम वहाँ पे कितना है, ठीक है। तो इन दोनों को रिलेट करने के लिए अपन ने क्या किया एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया जिसे अपन ने पहले भी देखा था एब्रीवेशन में, ठीक है। वो पैरामीटर है आपका एम, ठीक है। और एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एम का फॉर्मूला आपने बोला कि ये रेशियो होता है किसका इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस कैप गैस टू वॉल्यूम ऑफ ऑयल इनिशियली इन प्लेस, ठीक है। अब अगर अपन इसको ये तो फॉर्मूला और आपका इसको अगर फॉर्मूले में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे मैथमेटिकल टर्म में तो ये हो जाएगा आपका जी वीजीआई अपॉन एन वीओआई। जी मतलब आपका जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनिशियली गैस कितनी प्रेजेंट है, ठीक है। मल्टीप्लाई में वीजीआई किया वीजीआई आपका क्या है इनिशियल गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर है, ठीक है। और गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर या ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर जनरली क्या होता है आपका जो भी फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर होता है वो हमेशा रिलेट करता है
रिजर्वॉयर वॉल्यूम और सरफेस वॉल्यूम को, ठीक है। तो ये उसको रिप्रेजेंट रिलेट करता है, तो अपन को रिलेट करने के लिए जीपीजीआई लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि वॉल्यूम ऑफ ऑयल इनिशियली इन केस कितना है, तो इनिशियल ऑयल इन केस अपन को पता है कि ओरिजिनल ऑयल इन केस है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन एन से। अगर उसको मुझे रिलेट करना है सरफेस वाले को रिजर्वॉयर से, देन कैसे करेंगे अपन, बीओआई से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये बीओआई और बीजीआई क्यों किया है, क्योंकि ये अपन इनिशियल प्रेशर पर बात कर रहे हैं, इनिशियल ऑयल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं और इनिशियल गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने ये पैरामीटर लिखा और अपन ने अब सॉल्व किया, जिससे अपन को क्या वैल्यू निकालनी है। अपन चाहते हैं इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस कैप कितना होगा, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस कैप है वो कितना है, तो उससे अपन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस कैप अगर मुझे ये निकालना है जी वी जी आई, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो एम इक्वल्स टू क्या लिखा अपन ने, जी वी जी आई अपॉन एन वी आई, ठीक है। यहाँ से जी वी जी आई की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, सीधा एम यहाँ से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एन वी ओ आई, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई कि इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस कैप कितना आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है अब टोटल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन सिस्टम है, उसको कैसे लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम कितना हाइड्रोकार्बन सिस्टम है उसको अपन लिख सकते हैं कि इनिशियल ऑयल वॉल्यूम, इनिशियली ऑयल का वॉल्यूम कितना है प्लस इनिशियल गैस कैप वॉल्यूम कितना है, वो किसके इक्वल किया आपने, वॉल वॉल्यूम इनटू 1 माइनस एस डब्ल्यू आई, ठीक है। एस डब्ल्यू आई क्या है, इनिशियल वाटर सैचुरेशन या फिर नेगेटिव इनिशियल कॉनेट वाटर सैचुरेशन उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये अपन ने पहले वॉल्यूमेट्रिक इक्वेशन में देखा था कि वॉल वॉल्यूम अपना निकालते थे AH5 से अपन निकालते थे वॉल वॉल्यूम, तो यहां पे इसने लिखा है वॉल वॉल्यूम इनटू 1 माइनस एस डब्ल्यू आई, और 1 माइनस एस डब्ल्यू आई मतलब अपन को पता है सैचुरेशन में कि एस डब्ल्यू प्लस एस जी प्लस एस ऑयल का इक्वल्स टू 1 होता है, कि वाटर का सैचुरेशन प्लस गैस का सैचुरेशन प्लस ऑयल का सैचुरेशन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो अपन अगर 1 माइनस एस डब्ल्यू कर लिए वाटर का, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसका सैचुरेशन मतलब ऑयल प्लस गैस के सैचुरेशन को अपन 1 माइनस एस डब्ल्यू के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। वो लिखा है यहां पे, और एस डब्ल्यू आई क्यों किया, क्योंकि इनिशियल प्रेशर पे बात हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वॉल वॉल्यूम इनटू 1 माइनस एस डब्ल्यू आई, ठीक है। इनिशियल ऑयल वॉल्यूम अपन ने लिखा कितना, एन वी ऑयल, ठीक है। और इनिशियल गैस कैप वॉल्यूम वो अपन ने अभी निकाला था क्या, एम एन वी ऑयल, जो जी पी जी आई की वैल्यू है वो ही है क्या, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस कैप उसको अपन ने लिख दिया एम एन वी ऑयल, तो ये टर्म आ गई अपनी, ठीक है। और इक्वल टू 1 वॉल वॉल्यूम इनटू 1 माइनस एस डब्ल्यू आई, ठीक है। यहां से अपन क्या कर रहे हैं, अपन को बेसिकली फोर वॉल्यूम की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है, टोटल फोर वॉल्यूम की। तो फोर वॉल्यूम यहाँ से सॉल्व किया इक्वेशन से, तो वो आ गया फोर वॉल्यूम इक्वल टू एम एन वी ओ आई, ठीक है। यहाँ से एम वी ओ आई दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एम, ये इक्वेशन आपने रखी है, अब वो हमें आ जाएगा 1 अपॉन एस डब्ल्यू आई, ठीक है। वहां पे एस डब्ल्यू आई इनिशियल वाटर सैचुरेशन है, एन आपका इनिशियल ऑयल इन केस है एस पी बी में, पीवी है वो टोटल फोर वॉल्यूम है, एम आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसका, रेशियो ऑफ इनिशियल गैस कैप गैस रिजर्वॉयर वॉल्यूम टू इनिशियल इनिशियल ऑयल वॉल्यूम, ठीक है। ये हो गया आपका कि इनिशियल जो टोटल फोर वॉल्यूम है हाइड्रोकार्बन सिस्टम का वो कितना होगा और उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसको अपन ने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है कि अगर अपन पूरे रिजर्वॉयर के जितने भी कोर्स हैं उनको एज ए कंटेनर ट्रीट करते हैं, अगर ट्रीटिंग द रिजर्वॉयर कोर्स एज आइडियलाइज कंटेनर, और उसको अपन ने फिगर में दिखाया कैसे कि यहाँ पे ये ऑयल है, ये कोई भी टैंक मॉडल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो टैंक मॉडल में अपन ने क्या किया कि ये जो आपका ऑयल जोन है और गैस जोन है, ठीक है, इनिशियली क्या होगा रिजर्वॉयर में ऑयल होगा और गैस होगा, ठीक है। और ये किसी भी रिजर्वॉयर प्रेशर इनिशियल पे या इनिशियल रिजर्वॉयर प्रेशर पे है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जैसे ही प्रोडक्शन लेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो भी डिसॉल्व गैस थी सॉल्यूशन के अंदर वो क्या होगी, इवॉल्व आउट होगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि या तो फ्री गैस जाके एक नया गैस कैप बनाएंगे, तो उसमें कितना वॉल्यूम है, न्यू गैस कैप का कितना वॉल्यूम है प्लस उस सॉल्यूशन में से कितनी गैस इवॉल्व हुई है, जैसे प्रेशर डिक्लाइन हुआ है इनिशियल से, ठीक है। उसके बाद अगर हमने प्रेशर मेंटेनेंस के लिए गैस इंजेक्ट किया है या फिर वाटर इंजेक्ट किया है,
कर रहे हैं। उसके अलावा जो रॉक एक्सपेंशन या रॉक एंड रॉक की कंप्रेसिबिलिटी या रॉक एक्सपेंशन की वजह से जो ड्राइव मैकेनिज्म है, जो फोर्स मिल रहा था, उसका कितना पार्ट दो वॉल्यूम कितना वो रॉक के एक्सपेंशन होने से कितना फोर वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है। उसके अलावा इतना अगर और उसके अलावा जो अपन ने ऑयल प्रोड्यूस किया है, वाटर प्रोड्यूस किया है या फिर गैस प्रोड्यूस करी है रिजर्वर में, तो उसके बाद कितना रिमेनिंग ऑयल है उसके अंदर, ठीक है, और कितना अपन ने नेट वाटर वहाँ पे इंजेक्ट किया है वहाँ पे या नेट वाटर इन्फ्लक्स किया है वो कितना प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एक टैंक के अंदर अगर हम बात करें कि ये टैंक के अंदर इनिशियली ऑयल था गैस था, जैसे अपने प्रेशर डिक्लाइन किया तो कितनी गैस वॉल्व हुई, कितनी गैस अपन ने प्रेशर को मेंटेन करने के लिए गैस या वाटर इंजेक्ट किया, फिर अपन ने अगर ऑयल वाटर या गैस प्रोड्यूस कर लिया तो उसके बाद उसके अंदर कितना रिमेनिंग बचा, ठीक है। तो इसको अपन टैंक मॉडल के अकॉर्डिंग अगर अपन इक्वेशन लिखना चाहे, ठीक है, तो वो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग ये वाले के अकॉर्डिंग द एमवी कैन बी रिटन इन अ जनरलाइज्ड फॉर्म एज फॉलोस कि जो कोर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द ऑयल इनिशियली इन केस एट द पी इनिशियल प्रेशर कि इनिशियली जो कोर वॉल्यूम है ऑयल ने कितना ऑक्यूपाई किया, जितने भी कोर्स थे या जितने भी रिजर्वर में कोर थे, ठीक है, उनको अपन एक टैंक कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो इनिशियली जो रिजर्वर का प्रेशर था, इनिशियल रिजर्वर प्रेशर, उस पे ऑयल ने कितनी स्पेस या कितना कोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था प्लस कोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द गैस इन द गैस कैप, जो आपका गैस कैप है उसके अंदर जो कोर वॉल्यूम है उसमें कितनी गैस फिल्ड है, वो कितना कोर वॉल्यूम का पार्ट है जो गैस ने ऑक्यूपाई किया है, ये दोनों का समीशन है वो किसके इक्वल होगा, कोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द रिमेनिंग ऑयल, ठीक है। जैसे अपन ने लिखा था कि इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम रिमेनिंग प्लस वॉल्यूम रिमूव, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। तो इनिशियल वॉल्यूम में आपके पास ऑयल था, ऑयल ने कितना ऑक्यूपाई किया और गैस ने कितना ऑक्यूपाई किया, ठीक है, वो इक्वल किसके हो गया, वॉल्यूम रिमेनिंग के, वॉल्यूम रिमेनिंग क्या होगा यहाँ पे कोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द रिमेनिंग ऑयल, मतलब प्रोड्यूस करने के बाद कितना ऑयल वहाँ पे रिमेनिंग रहा है उसने कितना कोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है प्लस कोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द गैस इन द गैस कैप एट प्रेशर भी, मतलब कोर वॉल्यूम अगर गैस भी कुछ अपन ने प्रोड्यूस करी है तो गैस कैप में अभी कितनी गैस प्रेजेंट है उसने कितना कोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है प्लस कोर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द इवॉल्व सॉल्यूशन गैस, मतलब सॉल्यूशन में से कितनी गैस है वो इवॉल्व हुई है उसने कितना कोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। उसके अलावा जो कोर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द नेट वाटर इन्फ्लक्स, जो वाटर इन्फ्लक्स है उसने कितना कोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। उसके अलावा चेंज इन कोर वॉल्यूम ड्यू टू कॉनेट वाटर एक्सपेंशन एंड कोर वॉल्यूम रिडक्शन ड्यू टू रॉक एक्सपेंशन, रॉक के एक्सपेंशन की वजह से कोर वॉल्यूम में कितना रिडक्शन हुआ है एंड कोर वॉल्यूम में कितने चेंजेस हुए हैं कॉनेट वाटर के एक्सपेंशन की वजह से, ठीक है। उसका भी उन दोनों ने भी कुछ कोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है वो कितना है प्लस कोर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द इंजेक्टेड गैस और कोर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द इंजेक्टेड वाटर, ठीक है। जैसे अपन ने बात करी थी कि अगर गैस इंजेक्ट किए तो उसने कितना कोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, अगर वाटर इंजेक्ट किया तो वाटर ने कितना कोर वॉल्यूम इंजेक्ट किया, ठीक सॉरी ऑक्यूपाई किया, ठीक है। तो ये सारे हमें किसके इक्वल और जनरल जो इक्वेशन थी अपनी इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम रिमेनिंग प्लस वॉल्यूम रिमूव, ठीक है, कि कितना वॉल्यूम इनिशियल कितना वॉल्यूम था उसमें से कितना अभी रिमेनिंग है और कितना अपन ने उसमें से रिमूव किया है उसी के अकॉर्डिंग अपन ने ये सारी टर्म्स लिखी है। अब जो ये सारी टर्म्स है कि कोर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द ऑयल इनिशियली इन केस या गैस इनिशियली इन केस या फिर रिमेनिंग ऑयल ने कितना ऑक्यूपाई किया है, अपन इन सब के लिए फॉर्मूला लिखते हैं कि इनको फॉर्मूले के टर्म में कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है। तो जनरली अपन जो नॉर्मल पीवीटी प्रॉपर्टीज अपन ने रिजर्वर में पढ़ी थी उनको यूज करके अपन उनको जो अपने पास ये नाइन टर्म्स है उनकी उनको अपन डिराइव करेंगे, ठीक है, एक एक कंपोनेंट को। तो फर्स्ट आपका है कोर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द ऑयल इनिशियली इंक्रीज एट रिजर्वर प्रेशर पी इनिशियल रिजर्वर प्रेशर, ठीक है। तो वो कितना है उसको अपन लिखेंगे एन, वो एन इक्वल्स टू क्या होगा एन वी ऑयल, तो अपन ने पहले लिखा था कि इनिशियली एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑयल इनिशियली इंक्रीज कितना है मल्टीप्लाई में अपन ने लिखा बी ओ आई, मतलब कि ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर एट द इनिशियल रिजर्वर प्रेशर, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी देगा, ये एन वी ओ आई रिप्रेजेंट कर रहा है किसको कि अपने पास
इनिशियली कितना ऑयल रिजर्वॉयर में प्रेजेंट है, ठीक है, जब रिजर्वॉयर को अपन ने डिस्कवर किया है, ठीक है। और जो ये वाली इक्वेशन थी इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 2 दिया है, ठीक है। उसके बाद जो एक और वॉल्यूम है उसको डिटरमाइन किया है, उसको इक्वेशन की वो वॉल्यूम ऑयल इनिशियली इन केस कितना ऑक्यूपाई हुआ है उसने इक्वेशन नंबर 3 दिया है अपन ने, ठीक है। नेक्स्ट है अपना और वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द गैस इन द गैस कैप, कि गैस कैप में जो गैस थी उसने कितना और वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। तो उसके लिए अपने पास क्या था, फार्मूला था अपने पास जो अपने स्टार्टिंग में लिखा था, F इक्वल्स टू क्या था, G VGI अपॉन M, G VGI अपॉन ये था N VOI, ठीक है, ये आपका फार्मूला था। अब मैं चाहती हूँ किसकी वैल्यू निकालना, G की वैल्यू, गैस कैप के अंदर जो गैस थी उसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहां से जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एम एन वीओ आई अपॉन वीजीआई, ठीक है। और ये गैस की वैल्यू निकालिए कि वहां पे गैस कितनी, गैस कैप में कितनी प्रेजेंट थी, तो अपन को प्रेशर किस पे निकालना है, पी प्रेशर पे, ठीक है। तो वो हो जाएगी वीजी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब भी आप कर रहे थे कि कितनी गैस गैस कैप में ऑक्यूपाई थी, तो उसका सिंपल फॉर्मूला था, ये क्या था, वॉल्यूम ऑफ दी गैस कैप, वॉल्यूम ऑफ दी गैस कैप क्या था, वीजीआई इक्वल्स टू अपन ने निकाला था एम एन वीओआई, ठीक है। ये वाला निकाला था तो इस पर आ जाएगा एम एन वीओआई, क्योंकि एम इक्वल्स टू अपन ने लिखा था जी वीजीआई अपॉन एन वीओआई, ठीक है। ये था उससे आ जाएगा नेक्स्ट चैप्टर पॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द रिमेनिंग ऑयल, ठीक है। अब जो रिमेनिंग ऑयल है उसने कितना पॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा कि इनिशियली कितना था आपके पास ऑयल, एन था इनिशियल इन केस, उससे से आपने एन पी प्रोड्यूस कर लिया, मतलब कितना ऑयल प्रोड्यूस कर लिया है, तो जितना इनिशियली था उसमें से प्रोड्यूस वाला माइनस कर देंगे, ठीक है। तो उसमें कितना रिमेनिंग रहा है वो अपने पास मिल जाएगा, क्योंकि अपन को पता है कि इनिशियल इक्वल्स टू क्या होता है, रिमूव प्लस रिमेनिंग, ये जनरल फार्मूला अपन ने निकाला, ठीक है। तो अपन क्या रिमेनिंग ऑयल की बात कर रहे हैं तो इनिशियल माइनस रिमूव करेंगे तो अपने पास रिमूव का फॉर्मूला रिमेनिंग का फॉर्मूला आ जाएगा। तो एन माइनस एन पी कर दिया, मतलब प्रोड्यूस ऑयल कितना था, इनिशियल माइनस प्रोड्यूस, तो ये मल्टीप्लाई में वी नॉट, क्योंकि वी नॉट आया है, वी ऑयल क्यों नहीं आया है, क्योंकि ये अपन प्रेशर पी पे बात कर रहे हैं, जब अपना कुछ ना कुछ ऑयल प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है, इनिशियल वाले की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये आ गया कि रिमेनिंग ऑयल तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द रिमेनिंग ऑयल। नेक्स्ट है आपका पॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस कैप एट द रिजर्वॉयर प्रेशर पी, ठीक है। ये था वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इन द गैस कैप, ठीक है। और ये है गैस कैप कितना रिजर्व प्रेशर पे पी पे कर रहा, ठीक है। तो उसके लिए अपने फॉर्मूला लिखा था एम इक्वल्स टू क्या था, जी वी जी आई अपॉन एन वी ओ आई, ठीक है। अपन को निकालना जी का वैल्यू, तो जी इक्वल्स टू यहां से निकालेंगे हो जाएगा एम एन वी ओ आई अपॉन वी जी आई, ठीक है। मल्टीप्लाई में वी जी करेंगे तो ये आपकी वॉल्यूम ऑफ गैस कैप दे देगा प्रेशर पी पे, ठीक है। प्रेशर पी पे वॉल्यूम ऑफ गैस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इन सब का और जो जो पॉल वॉल्यूम जिसका ऑक्यूपाइड है उसको इक्वेशन, जैसे इसको 4 दे दिया, इसको 5 दे दिया, इसको 6 दे दिया, हर एक इक्वेशन को एक नाम देते जाएंगे इक्वेशन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है पॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द इवॉल्व्ड गैस, जो इवॉल्व्ड गैस है उसने कितना पॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है उसको डिटरमाइन करते हैं। तो उसने क्या कर रहा, अपन ने क्या लिखा कि वॉल्यूम ऑफ द इवॉल्व्ड सॉल्यूशन गैस, सॉल्यूशन में से जो गैस इवॉल्व हुई है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो अपन ने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ द गैस इनिशियली इन द सॉल्यूशन, इनिशियली सॉल्यूशन में कितनी गैस थी, ठीक है, उसमें से माइनस किया वॉल्यूम ऑफ द गैस प्रोड्यूस, कितनी गैस अपन ने प्रोड्यूस कर ली है माइनस वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग इन द सॉल्यूशन, ठीक है। कितनी गैस अभी भी सॉल्यूशन में रिमेनिंग है, ठीक है। सिंपल जो वॉल्यूमेट्रिक बेसिस है, वॉल्यूमेट्रिक टर्म है, उसी में मटेरियल बैलेंस लगवाया है, ठीक है। तो उसमें अपन अगर फॉर्मूले में लिखे तो कैसे लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द इवॉल्व्ड सॉल्यूशन गैस क्या होगा, एन आर एस आई, मतलब ये किसको आर एस आई, मतलब ये आर एस आई किसको रिप्रेजेंट कर रही है, गैस सॉल्युबिलिटी, इनिशियल गैस सॉल्युबिलिटी, ठीक है। गैस सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि ऑयल के अंदर कितनी गैस आपकी डिज
सॉल्ट है, कितनी गैस वो सॉल्यूशन के अंदर है, ठीक है। तो इनिशियल कितनी होगी कि इनिशियल ऑयल कितना है और इनिशियल गैस की सॉल्युबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये टर्म ये रिप्रेजेंट करेगी कि इनिशियली गैस सॉल्यूशन में कितनी थी, ठीक है, माइनस कितनी प्रोड्यूस हुई है, प्रोड्यूस मतलब कि n ऑयल इतना प्रोड्यूस हुआ है, ऑयल के साथ भी प्रोड्यूस हुई है कुछ, ठीक है, इनटू rp को रिप्रेजेंट कर रहा है rp इसको कि नेट क्यूमुलेटिव प्रोड्यूस जीओ आर, ठीक है, कितना गैस टू ऑयल रेशियो प्रोड्यूस हुआ है, गैस सॉल्युबिलिटी इसको भी गैस सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, कितनी प्रोड्यूस हुई है गैस माइनस कितनी रिमेनिंग है, रिमेनिंग क्या होगा n माइनस np, मतलब ये तो क्या दिखा रहा है कितना ऑयल रिमेनिंग है और उसको rs से मल्टीप्लाई करेंगे और rs किस पे, किसी भी प्रेशर p पे है सॉल्युबिलिटी, ठीक है, करंट अभी जो प्रेशर है उस पे गैस की सॉल्युबिलिटी कितनी है, ठीक है, तो वो और उसको मल्टीप्लाई कर दिया bg से, ठीक है, तो ये बता देगा कि कितनी वॉल्यूम ऑफ इवॉल्व गैस है सॉल्यूशन में, ठीक है। आपके पास इसको इक्वेशन नंबर 7 दे दिया मैंने। नेक्स्ट क्या होगा कि पोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द नेट वाटर इनफ्लक्स, जो नेट वाटर इनफ्लक्स है उसने कितना पोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, तो अपन को पता है कि वाटर इनफ्लक्स कहां से मिलेगा, ये तो क्यूमुलेटिव वाटर इनफ्लक्स मतलब कि कितना वाटर इनफ्लक्स आया है उसमें से माइनस कितना किया, कितना वाटर प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है, सरफेस पे अपन को मिल गया है उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि वाटर इनफ्लक्स मतलब कितना वाटर रिजर्वर में आया है और जितना वाटर अभी नेट वाटर इनफ्लक्स मतलब रिजर्वर के अंदर अभी कितना वाटर का इनफ्लक्स है, इट मींस क्या हुआ कि जितना टोटल था क्यूमुलेटिव था उसमें से जितना वाटर प्रोड्यूस हो गया उसको माइनस कर दिया, तो अपने पास आ गया नेट वाटर इनफ्लक्स, उसको अपन ने दे दिया इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चेंज इन पोर वॉल्यूम ड्यू टू इनिशियल वाटर एंड रॉक एक्सपेंशन, वाटर एंड रॉक एक्सपेंशन की वजह से या उन दोनों की कंप्रेसिबिलिटी की वजह से पोर वॉल्यूम में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसके लिए जनरली क्या होता है कि दोनों कंपोनेंट है, कंपोनेंट क्या डिस्क्राइब करेंगे कि हाइड्रोकार्बन का पोर वॉल्यूम है वो एक्सपेंशन की वजह से या तो जैसे रॉक के एक्सपेंशन की वजह से पोर वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है और वाटर के एक्सपेंशन की वजह से पोर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जनरली अपन इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते इन दोनों टर्म को, वाटर की कंप्रेसिबिलिटी एंड फॉर्मेशन की कंप्रेसिबिलिटी को इन केस ऑफ दी अंडर सैचुरेटेड ऑयल रिजर्वर। अंडर सैचुरेटेड ऑयल रिजर्वर मींस क्या हुआ कि जब आपके रिजर्वर का जो इनिशियल प्रेशर है वो ग्रेटर देन है बबल पॉइंट प्रेशर से, ठीक है, मतलब जितनी भी गैस है वो उसके अंदर है डिजॉल्व है, ठीक है, या वाटर है वो भी उसके अंदर डिजॉल्व है, ठीक है, तब अपन नेगलेक्ट नहीं कर सकते, बट अगर गैस का ड्राई रिजर्वर है तब आप उसको, और वो भी क्या है उसका गैस का ड्राई रिजर्वर का प्रेशर भी बिलो बबल पॉइंट प्रेशर है, देन आप उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन अपन ने क्या किया कि ये जो कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट है उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपन ने रिजर्वर फ्लूइड प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, ठीक है, उसमें अपन ने एक टर्म पढ़ी थी कंप्रेसिबिलिटी की, सी इक्वल्स टू माइनस 1 बाय v डेल v अपॉन डेल p, ठीक है, एट कांस्टेंट टेंपरेचर, ये पढ़ा था, ठीक है। अब ये डेल्टा v जो है इसकी वैल्यू अगर आप यहां से निकालेंगे तो हो जाएगा डेल्टा v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा v इनटू c इनटू डेल्टा t, ठीक है। अब अपन को अगर यहाँ पे डेल्टा वी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट द नेट चेंजेस और एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंजेस इन द प्रेशर। प्रेशर के चेंज होने से रिजर्वर के जो वॉल्यूम है उसमें क्या एक्सपेंशन आ रहा है या क्या रिडक्शन आ रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अपन अगर सॉलिड वाटर के लिए ऑयल जोन में, ऑयल जोन में या गैस जोन में, गैस के जोन में अगर सॉलिड वाटर है उसके एक्सपेंशन की बात करते हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अपन ने क्या लिखा है, कॉनेट वाटर एक्सपेंशन वो क्या होगा, पोर वॉल्यूम इनटू एसडब्ल्यूआई, मतलब पोर वॉल्यूम कितना है मल्टीप्लाई में एसडब्ल्यूआई, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कितना वाटर का इनिशियल कॉनेट वाटर है, कॉनेट वाटर एक्सपेंशन की बात करें तो वहां पे कॉनेट वाटर है उसका कितना सैचुरेशन है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका कॉनेट वाटर की कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा डेल्टा पी, और डेल्टा पी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, चेंज इन द प्रेशर, और चेंज इन प्रेशर क्या होगा, v इनिशियल प्रेशर माइनस v
P initial minus P, और P initial represent करना है कि initially reservoir का pressure कितना है, minus P represent करना है कि current reservoir का pressure क्या है, ठीक है। अब यहाँ से अपन ने जो ये equation थी अपनी, ठीक है, ये equation उसमें अपन ने क्या किया, equation one जो निकाली थी जिसमें अपन ने pore volume की value निकाली थी, ठीक है, pore volume की value क्या निकाली थी अपन ने, L DOI 1 plus M upon 1 minus SL2I, ठीक है, ये टर्म अपन ने निकाली थी वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, इस फॉर्मूले में डायरेक्टली अपन ने जो ये pore volume था उसकी जगह ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया अपन ने, तो ये आपका वैल्यू आ गया एक्सपेंशन ऑफ कॉनेट मॉडल रूप में एम यू आई 1 प्लस एम अपॉन 1 माइनस एस डब्ल्यू आई, ठीक है, मल्टीप्लाई में ये आपका एस डब्ल्यू आई इंटू वाटर की कंप्रेसिबिलिटी इंटू डेल्टा पी चेंज इन द प्रेशर, ठीक है। तो ये आपका आ गया कि कॉनेट मॉडल की एक्सपेंशन की वजह से पोर वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएंगे वो अपन ने रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिमिलरली क्या होता है कि अगर ये रॉक का एक्सपेंशन होता है, रॉक की कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं तो उसकी वजह से पोर वॉल्यूम आपका रिड्यूस होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से एक्सपेंशन की वजह से जो भी चेंजेस होंगे पोर वॉल्यूम में रॉक के एक्सपेंशन की वजह से उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वही सेम हो जाएगा, बस रॉक में ये वाटर सेपरेशन यहाँ पे जो टर्म है वो यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्या होगा, पोर वॉल्यूम मल्टीप्लाई में रॉक की कंप्रेसिबिलिटी इनटू डेल्टा पी, ठीक है, ये तो सेम फॉर्मूला होगा, बट यहाँ पे वाटर सेचुरेशन है क्योंकि कॉनेट वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर है उसका कुछ ना कुछ सेचुरेशन रहता है जबकि रॉक का कोई सेचुरेशन नहीं होता, ठीक है, इसलिए यहाँ पे रॉक की सेचुरेशन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। सेचुरेशन हमेशा किसी न किसी फ्लूइड को होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ गया आपका, अब इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 10 को, जिसमें ये जो कॉमन पार्ट है आपका पोर वॉल्यूम वाला उसको कॉमन ले सकते हैं अपन, डेल्टा पी आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कॉमन लेंगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी ये, वो होगा एन डी आई 1 प्लस एन, ये वाला पार्ट कॉमन, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, यहाँ पे क्या था एस डब्ल्यू आई, तो ये एस डब्ल्यू आई सी डब्ल्यू प्लस सी एफ, सी एफ है आपकी फॉर्मेशन की कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, अपॉन वन अपॉन वन माइनस एस डब्ल्यू आई, ठीक है, इंटू डेल्टा पी, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई कि रॉक और कॉनेट वाटर की एक्सपेंशन की वजह से पोर वॉल्यूम में क्या चेंजेस हो रहे हैं या पोर वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाइड है उन दोनों की वजह से, उसको अपने इक्वेशन में लिख दिया। अब अपने पास सारी इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है। लास्ट है आपका पोर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द रिजेक्टेड गैस एंड वाटर, जो गैस इंजेक्ट किया है और जो वाटर इंजेक्ट किया है उन दोनों ने कितना पोर वॉल्यूम है जो टोटल उसका कितना पोर्शन ऑक्यूपाई करके रखता है, ठीक है, वो देखते हैं। तो अपन ने अज्यूम किया कि जो गैस इंजेक्ट की है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन जी इंजेक्शन से, ठीक है, और बीजी उसके लिए फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर है, बीजी इंजेक्शन ले लिया अपन ने, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम कितना दोनों फ्लूइड का इंजेक्ट हुआ है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, वो हो जाएगा आपका टोटल दोनों फ्लूइड का कितना वॉल्यूम इंजेक्ट हुआ है उसको लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू जी इंजेक्शन मतलब गैस कितनी इंजेक्ट हुई है, और बीजी इंजेक्शन क्यों लिखा है क्योंकि अपन रिलेट करना चाह रहे हैं जो भी सरफेस वॉल्यूम है उसको रिजर्वॉयर वॉल्यूम से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डब्ल्यू इंजेक्शन मतलब वाटर कितना इंजेक्ट किया है, देन वाटर का फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर, ठीक है। तो ये आपने सारी इक्वेशन जितने भी अपन ने लिखा था जो इनिशियली की जो टोटल या इनिशियल पोर वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा कि उसमें वॉल्यूम कितना रिमेनिंग है और कितना उसमें से अपन ने रिमूव किया है, ठीक है। तो सबके लिए अपन ने मैथमेटिकल इक्वेशन पीवीटी प्रॉपर्टीज यूज करके डिराइव कर ली है, ठीक है। अब ये जो 1 टू इक्वेशन नंबर 12 है ये सारी इक्वेशंस को अपन पुट करेंगे किसमें, ये सारी को कंबाइन करेंगे और इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, जो अपन ने 2 लिखी थी जिसमें अपन ने लिखा था कि आपका इनिशियल ऑयल वॉल्यूम पोर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द इनिशियल ऑयलिंग फेज एट द प्रेशर P, मतलब P इनिशियल प्रेशर पे कितना ऑयल वॉल्यूम था प्लस इनिशियल प्रेशर पे कितना गैस वॉल्यूम गैस ने कितना पोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा था, इन दोनों को इक्वेट किया था अपन ने किसके इक्वल, कि कितना रिमेनिंग ऑयल का वॉल्यूम है, कितना रिमेनिंग गैस का वॉल्यूम है, ठीक है, और कितना नेट वाटर इन्फ्लक्स है या फिर कितना अपन ने रॉक और फॉर्मेशन की कंप्रेसिबिलिटी की वजह से पोर वॉल्यूम में चेंजेस आए, तो सब इक्वेशन को कंबाइन करके अपन ने इक्वेशन 2 में पुट किया तो आपको इक्वेशन मिलेगी, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन मिलेगी, सबको पुट करोगे तो इसको बोलते हैं आपका उसको बोलते हैं मटेरियल बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। ये आपकी जो इक्वेशन आई है जहाँ पे अपन ने ये जी पी लिखा है,
प्रोड्यूस जो है आर पी जिसको गैस सॉल्युबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस जो है उसको लिखते हैं अपन जी पी अपॉन एन पी, क्योंकि अपन को पता है जी आर मतलब क्या होता है गैस टू ऑयल रेशियो, ठीक है, और प्रोड्यूस जो है क्या होता है प्रोड्यूस गैस अपॉन प्रोड्यूस ऑयल, ठीक है, तो यहाँ से अपन जी पी की वैल्यू निकाले तो वो हो जाएगा आर पी इंटू एन पी, ठीक है, और ये आर पी एन टू आर पी इंटू एन पी अपन ने कहाँ पे जी पी की जगह, ठीक है, और ये प्रूफ करके अपन अगर इसको वापस रीअरेंज कर दें इक्वेशन को तो ये आपके पास एक फाइनल इक्वेशन मिलती है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं जनरलाइज मटेरियल बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, तो ये आपकी जनरलाइज मटेरियल बैलेंस इक्वेशन है। अब अपन को पता है कि इसको अगर अपन और जनरलाइज फॉर्म में या रिड्यूस फॉर्म में लिखना चाहें तो अपन कैसे लिख सकते हैं, अपन को पता है कि एक अपन ने टर्म पढ़ी थी, एक पढ़ा था ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर, एक पढ़ा था गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर, एक अपन ने पढ़ा था पीटी जिसको बोलते हैं अपन टू फेज फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर, या फिर इसको बोलते हैं टोटल ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर, ठीक है, तो वो अपना क्या था पीटी, उसको अपन लिख रहे थे पीटी इक्वल्स टू था आपका वी नॉट प्लस आर पी माइनस का आर एस इंटू वी जी, ठीक है, ये आपकी RSI माइनस RS, ठीक है, इनिशियल सॉल्युबिलिटी माइनस करंट सॉल्युबिलिटी गैस की इनटू Vg, ठीक है, तो इसको हमने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन है वो किसमें चेंज हो जाएगी, इस फॉर्म में आ जाएगी, और इसमें आप Vg को टू फेज फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर के टर्म्स में लिख देंगे उसको, ठीक है, अरेंज करेंगे रीअरेंज करेंगे तो, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ गई, तो अपन ने बोला इक्वेशन नंबर 70। अब अपन ने क्या किया है, कोई भी कॉम्बिनेशन ड्राइव में, अब कॉम्बिनेशन ड्राइव में क्या होता है कि वहां पे गैस कैप भी प्रेजेंट होता है, वहां पे वाटर ड्राइव भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, देन वहां पे अपन सॉल्यूशन गैस ड्राइव भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो वहां पे अगर हम देखें कि कौन से टाइप के जो रिकवरी जो प्राइमरी ड्राइव मैकेनिज्म है कॉम्बिनेशन ड्राइव में तीनों ड्राइव्स प्रेजेंट है, तो अपन ये देखना चाहते हैं कि हर एक ड्राइव का उस रिकवरी फैक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो उस कंट्रीब्यूशन को देखने के लिए अपन ने क्या किया है कि जो भी ये इक्वेशन थी आपकी 70 उसमें क्या क्या है ये जो भी टर्म थी उसको इधर ले गए, ठीक है, तो इधर लेके गए तो ये क्या बन गया एन मल्टीप्लाई में बी टी माइनस बी टी आई, ठीक है, फिर ये इसको इधर लेके गए अपन तो ये बन गया प्लस एन एम बी टी आई, जो ये टर्म है आपकी ये बी जी आई माइनस बी जी माइनस बी जी आई अपॉन बी जी आई, ठीक है, प्लस ये वाली जो टर्म है ये, ठीक है, और ये वाला जो है इसको भी उधर ले जाके अपन ने इसे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो इसको अपन ने रीअरेंज किया इक्वेशन को, और जो ऊपर का इतना सा पोर्शन था आपका ये वाली टर्म जिसको अपन लिखते हैं एन पी मल्टीप्लाई में बी टी प्लस आर पी माइनस आर एस आई इंटू बी जी, ठीक है, ये वाली टर्म को अपन ने ए के इक्वल रिप्रेजेंट कर दिया, अपन ने ये कंसिडर कर लिया कि जो ये वाला पार्ट है इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर दूँ, ठीक है, तो इसको अपन ने सबके नीचे डिवाइड कर दिया ए से, ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है ये एन पी इंटू बी टी प्लस आर पी माइनस आर पी माइनस आर एस आई इंटू बी जी, ठीक है, ये जो इक्वेशन है। अब यहाँ पे जो ये फर्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं अपन डीडीआई, ठीक है, इसको बोलते हैं डिप्लीशन ड्राइव इंडेक्स इंडेक्स, ठीक है, तो ये जो पार्ट है वो डिप्लीशन ड्राइव इंडेक्स है, ये वाला जो पार्ट है और यहाँ पे ए की वैल्यू, यहाँ पे क्योंकि बहुत लेंथी कैलकुलेशन है इसलिए अपन ने पूरी टर्म को ए से रिप्रेजेंट किया, बट ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर टोटल ये वाली है, ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड में ए की वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डिप्लीशन ड्राइव इंडेक्स है, ठीक है, डिप्लीशन ड्राइव इंडेक्स क्या होता है जिसमें सिंपली एक सॉल्यूशन गैस है वो ही आपको रिकवरी फैक्टर या रिकवरी में ऑयल रिकवर करने में हेल्प करती है, ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये वाला जो पार्ट है उसको लिखा है अपन एच डी आई, उसको बोलते हैं सेग्रीगेशन ड्राइव इंडेक्स, उसको बोलते हैं गैस कैप ड्राइव इंडेक्स, ठीक है, सेग्रीगेशन ड्राइव मतलब गैस कैप ड्राइव भी होता है, ठीक है, और गैस कैप ड्राइव मींस क्या हुआ कि ये गैस कैप ये ड्राइव इंडेक्स है वहां पर रिकवरी मैकेनिज्म प्राइमरी ड्राइव मैकेनिज्म वो क्या है गैस कैप है मतलब जो गैस कैप है उसके अंदर जो गैस प्रेजेंट है वो आपको ऑयल को रिकवर करने में हेल्प करती है, ठीक है, तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन है
प्लस ये क्या है आपका डब्ल्यू डी आई जो है वॉटर ड्राइव नेक्स्ट, मतलब कि वहां पे वाटर ड्राइव मैकेनिज्म है, प्राइमरी ड्राइव मैकेनिज्म, तो वो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है ऑयल या गैस की रिकवरी में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये वाला पार्ट। तो ये अपन ने सारा पोर्शन किसके लिए ड्राइव किया था, एक्सपेंशन ऑफ रॉक एंड फ्लूइड। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ड्राइव इंडेक्स हो गया, ईडीआई, जिसको बोलते हैं एक्सपेंशन, यानी कि एक्सपेंशन रॉक एंड लिक्विड डिप्लीशन इंडेक्स। ठीक है, तो ये सारे इंडेक्स होते हैं कि वैल्यू इक्वल टू क्या होती है 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपकी कि डीडीआई एसडीआई प्लस डब्ल्यूडीआई प्लस ईडीआई इक्वल टू 1 होता है। मतलब आपका डिप्लीशन ड्राई इंडेक्स प्लस गैस कैप ड्राई इंडेक्स प्लस वाटर ड्राई इंडेक्स प्लस एक्सपेंशन ड्राई इंडेक्स, इन तीनों चारों का समेशन करते हैं वो इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो अगर कहीं पे इन तीनों ड्राइव की कोई भी तीन ड्राइव की वैल्यू दी है और चौथे की पूछ ली है तो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं कैसे, 1 माइनस इन तीनों का एड करके आप माइनस कर देंगे तो फोर्थ वाले ड्राइव की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये था आपका मटेरियल बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, ऑयल और रिजर्वर के लिए, गैस के लिए अपन नेक्स्ट में बात करेंगे। ठीक है, और इससे आपका न्यूमेरिकल है जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी आ सकता है, वो अपन कल के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।